अपने सामने कुछ दिनों तो श्री अमृतसर साहब जी दे श्री दरबार साहब जी दे नाल ही गुरुद्वारा श्री थड़ा साहब है नौवें पातशाह जी का स्थान और उत्थे नाल ही गुरुद्वारा यादगार शहीदां अमर शहीद संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले और जून 84 दे शहीदां दा शहीदी स्थान है उहदे नाल ही बुंगा ग्यानियां इक इमारत दे प्राचन जिहड़े थल्लों सरद खाने मिले है और साध संग जी नूं बुरज ग्यानियां भी कहा जांदा है। किसे समय बहुत वड्डी इमारत सी और दमदमी टकसाल दे छेवें मुखी महापुरख सिंह साहिब संत ग्यानी संत सिंह जी ने यह सारी इमारत तीमार कराई महाराजा रणजीत सिंह जी दे समय और उहदे विच सिंघां नूं गुरबाणी दी शुद्ध संथिया अते अर्थ पढ़ाउंदे रहे। चूड़ामण कवि भाई संतोख सिंह जी ने उन्हां कोलों उस स्थान ते बुंगा ग्यानियां विच रह के सारी विद्या पढ़ी सी और उस स्थान ते तीन मुखी दमदमी टकसाल दे रहे हैं संत ग्यानी सूरत सिंह जी संत ग्यानी गुरदास सिंह जी और सिंह साहब संत ग्यानी संत सिंह जी। इस करके साध संगत जी वह इतिहासक इमारत दे अवशेष समुचे पंथ ने इस सारी इतिहासक विरासती इमारत का जो सारी दुनिया दे विच जिक्र होया वो सारा कुछ देखिया तुसी सुनिया भी है पढ़िया भी है अखबारां राही मीडिया राही वो स्थान भी दमदमी टकसाल दे मुखियां दा ही बुंगा है उन्हूं बुंगा ग्यानियां करके कहा जांदा है क्योंकि दमदमी टकसाल दे मुखियां ने गुरबाणी दी विद्या गुरसिखां नूं पढ़ाई है। इस करके इन्हां महापुरखां दे नाल ग्यानी शब्द दा लकब चलदा ही आया है और तुसी इतिहास वल जदों निगाह मार के वेखदे हां आपां तां धन बाबा दीप सिंह जी धन बाबा गुरबख्श सिंह जी ए दोनों महापुरख धन बाबा दीप सिंह जी पहले मुखी अमर शहीद धन बाबा गुरबख्श सिंह जी दूसरे मुखी जिन्हों का शहीद बुंगा श्री अकाल तख्त साहब के नाल है इन्हों के समेत अठ मुखी श्री अमृतसर साहब रह के पंथ की सेवा करते रहे। धन बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीस दिता श्री हरिमंदर साहब जी की रक्षा वास्ते दूजे मुखी बाबा गुरबख्श सिंह जी ने श्री अकाल तख्त साहब श्री हरिमंदर साहब की रक्षा लिए अपना शीस दिता बिना शीस तो लड़े। तीजे मुखी संत ग्यानी सूरत सिंह जी जिन्हां नूं सुभाग प्राप्त होया धन गुरु गोबिंद सिंह जी के हथों अमृत छकण दा जिन्हां दे पिता भाई रामचंद नूं कलगीधर पातशाह जी ने किसे ग्रंथ दा उलथा सुन के वरदान दिता कि तुहाडे परिवार विच ग्यानी होणगे और उन्हां नूं अमृत छका के नाम ग्यानी राम सिंह रख्या कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी और संत ग्यानी सूरत सिंह जी नूं माण प्राप्त इतिहास विच कि सब तो पहला गुरबाणी दे अर्थां दा लिखती रूप दे विच जो प्रचलन कीता है ना ये पहला मान संत ग्यानी सूरत सिंह जी नूं प्राप्त आ। उस तो पहला लिखती रूप विच अर्थ नहीं सिख पंथ दे विच प्रचलित होए सी मौखिक रूप दे विच रसना दे नाल ही सिंह अगे तो अगे सुन के संगतां विच जुबानी अर्थां दा प्रचार करदे सन उन्होंने लिखती रूप विच अर्थां दा प्रचलन किया प्रचलित किते गुरबाणी दे अर्थां दे गुरबाणी दे शब्दां दे गुरबाणी दी पावन पवित्र जेडे अर्थ सन उह पोथियां विच हत्थी लिख लिख के सिंघां नूं उन्होंने अगे तो अगे देना इस करके गुरबाणी दे अर्थ लिखती रूप दे विच उन्होंने प्रचलित किते सिख पंथ दे विच पहली वेर